लम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु। कुरान कहता है पिछले रुकू में कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में दाखिल हुए बिन्यामीन को लेकर और बिल आखिर महल में पहुँचे। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को ठिकाना दिया, यानी तन्हाई में ले गए और कहा इन्नी अना अखू का, कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। फला तब तईस बिमा कानू यामलून, तो पहली खुशखबरी तो ये कबूल करो कि जो मेरे भाई हमारे सोतेले भाई तुम्हारे साथ जो ज्यादती कर रहे थे, अब इस पर टेंशन ला तब तक इसका सादा सादा तर्जमा को टेंशन मत लेना, यानी तंगी में मत जाना, तो अब उसकी तंगी मत लो, यानी तुम्हारी आजमाइश अब ख़त्म हो गई है। इससे पता चलता है कि ये भाई जो थे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद था, इनको इसी तरह बिन्यामीन से भी था और उसको टॉर्चर करते रहते थे। जैसे घरों में होता है एक भाई मुसीबत बन चुका होता है दूसरे भाई के लिए, या एक जो है ना सारे हाथ धो के उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, ये भी दिन रात घरों में हमें नज़र आ रहा होता है, उसको इतना जहनी टॉर्चर कर देते हैं। तो बता दिया कि पहली बात तो ये कि अब तुम्हें ये टेंशन तुमसे ख़त्म हो गई, और फिर उनके साथ मिलके प्लान बनाया कि अब मैं तुम्हें अपने महल में रखूँगा और अगली मर्तबा मैं वालिद साहब को भी यहाँ बुलवा लूँगा। तो अब दोनों ने मिल के ये प्लान किया कि भाई वैसे तो हम रख नहीं सकते, ये बोलेंगे आप किस बेस पर हमारे भाई को रख रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के दीन में उस वक्त ये था कि जो किसी की चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना, तो जिसकी चोरी किया वो उसको ग़ुलाम बना के रख लेता था, यानी खादिम बना के, ग़ुलाम का मतलब उसको खादिम बना के, अब कि तुम इसी के मुलाजिम हो, इसी की खिदमत करोगे ज़िंदगी भर। ये याकूब अलैहिस्सलाम के दीन में था, लेकिन मिस्र के कानून में ये नहीं था। मिस्र के कानून में कोई भी ताज़ीर होगी चोर के बारे में, कोई भी सज़ा होगी। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को रखने का बहाना सोच रहे थे कि मैं बिन्यामीन को अपने पास रखूं कैसे, अल्लाह का हुक्म है कि याकूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालना है, तो अब रखूं कैसे मैं। तो यही तरकीब जहन में आई कि भाई प्याला छुपा देते हैं, इससे वक्ती तौर पर बदनामी होगी लेकिन उस बदनामी का बाद में इजाला हो जाएगा, लेकिन भाई को मैं किसी तरह यहाँ रख लूँगा। तो प्याला छुपा दिया और उन्हीं की ज़बान से निकलवाया कि भाई चोर की सज़ा क्या है। तो उन्होंने तो अपना मज़हब बयान किया कि भाई हमारे यहाँ तो चोर की सज़ा ये है कि जो चोरी करता है उसी को रख लेते हैं, तो हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप रख लो। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सारी तदबीर इख्तियार ना करते और ऐसे ही उन पर चोरी साबित करके उनसे प्याला निकाल लेते और फिर बाद में कहते कि भाई हमने बिन्यामीन को अपने पास रखना है ग़ुलाम बना के, तो याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ये कह सकते थे कि आप किस कानून की बेस पर रख रहे हैं। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कहते कि तुम्हारे अब्बा के कानून, तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कह सकते थे आप तो हमारे अब्बा के मज़हब को मानते ही नहीं, आप तो मिस्र के कानून को मानते हो, तो मिस्र के कानून पे आप क्यों हमारे कानून को तरजीह दे रहे हो इस वक्त, यानी वो बात बनती नहीं। तो इसलिए पूरी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह तदबीर इख्तियार की और जो आगे कुरान में आ रहा है फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब उनको उनके सामान के साथ तैयार किया जाल सिकायत फी रहल यखीही, अपने भाई के कजावे में प्याला डाल दिया और बिन्यामीन से कहा फिलहाल चले जाओ, हम तुम्हें किसी तरह निकलवा लेंगे। थुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनून, फिर एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया अय्यतुहल ईर, ए काफले वालो इन्नकुम लसारिखून, तुम चोर हो। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पता था कि ये चोर नहीं है, चोरी इन्होंने नहीं की है, तो या तो काफले में जिसने ऐलान किया उसको पता ही नहीं था कि असल कहानी क्या है, बल्कि उसने अपने ख्याल के मुताबिक इनको कह दिया कि प्याला गुम हुआ है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हो सकता है ये कहा कि मुझे ख़तरा है कि वो प्याला इनमें से किसी के पास होगा, तो उस मुअज़्ज़िन ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि तुम चोर हो। तो जैसे कि होता है ना, जब आप किसी से उगलवाना चाहते हैं ना, तो उसको कहते हैं तूने ऐसा किया है, ताकि वो डर जाए, और अगर उसने वाकई ऐसा किया हो तो वो उगल दे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तो अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पे मुअज़्ज़िन ने ये नहीं किया, अपनी तरफ से किया है, फिर तो इश्काल नहीं होता है, यानी उस इश्काल का जवाब गोया मिल गया कि मुअज़्ज़िन ने कहा ना कि तुम चोर हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने थोड़ी कहा कि तुम चोर हो, पैगंबर तो झूठ बोल नहीं सकते, मजाक में भी नहीं झूठ बोलते पैगंबर। तो उसने अपने ख्याल के मुताबिक कह दिया कि मैं कह के देख लेता हूँ चोर हो, बाद में निकल आया तो साबित हो जाएगा, नहीं आया तो सॉरी कर लूँगा। लेकिन अगर ये मुअज़्ज़िन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पे उनको कहा कि तुम चोर हो, जैसे कि इसका भी इम्कान है, तो फिर ये तौरिया है। तौरिया कहते हैं आप कोई बात कर रहे हैं, आप उसका एक मतलब ले रहे हैं, सामने वाला कोई और मतलब। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीयत ये थी कि मैं इनको चोर इस लिहाज से कहलवाऊंगा कि असल में तो तुमने चोरी की है, एक बेटे को बाप से चुरा के कुएं में डाला है, तो हमारी नीयत तुम्हें चोर कहने में ये है, और तुम उसका मतलब ये समझ रहे हो कि शायद हम पे तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसको कहते हैं तौरिया,
ये तौरिया का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी बात करते हैं जिसके दो मतलब हैं, आप एक मतलब लेते हैं, सामने वाला कुछ और मतलब ले रहा होता है, तो ये ज़रूरत में ये जायज़ है, मजबूरी में ये जायज़ है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए जायज़ था क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि किसी भी तदबीर, कोई भी तदबीर इख्तियार करके तुमने बिन्यामीन को यहाँ रखना है ताकि याकूब अलैहिस्सलाम की और ज़्यादा आजमाइश हो, तो इसलिए उन्होंने ये तौरिया किया। अदन मुअज़्ज़िनुन, मुअज़्ज़िन ने कहा अय्युहा तुहल्लईरु इन्नकुम लसारिखून, तुम लोग चोर हो। क़ालू अक़बलू अलैहिम, फ़ौरन वापस पलटे और कहने लगे मादा तफ़क़िदून, क्या गुम हो गया भाई, कैसी बातें कर रहे हो। देखिए अगर ये वाकई उन्होंने चोरी की होती ना तो एकदम इनकी नफ्स तेज़ हो जाती और कहते, फ़ौरन कहते कि भाई हम चोर वोर नहीं हैं, झूठा इल्ज़ाम है। जैसे कि चोर पर इल्ज़ाम लगे सबसे पहले कहते चोर नहीं है, तो इन्होंने फ़ौरन बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि क्या गुम हो गया है, पहले ये तो बताओ गुम क्या हुआ है, फिर अगली बात करना। क़ालू नफ़क़िदु सुवा अल मलिक, वो कहने लगे हमें बादशाह का प्याला गुम पा रहे हैं हम। वलीमन जा अभी हमलु बईर, और बादशाह ने यह ऐलान किया है कि जो उस प्याले को कहीं से निकाल के लाएगा पूरा एक ऊँट का सामान लदा हुआ उसको इनाम में दे दिया जाएगा। तो गोया उस मुअज़्ज़िन ने, ऐलान करने वाले ने अपनी मजबूरी भी बता दी कि भाई मैं तो मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं अपना पूरा ऊँट लदा हुआ कैसे कुर्बान कर सकता हूँ, और वह आना भी ज़हीम, और मैंने ये चैलेंज कबूल भी कर लिया है, तो मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगा, तलाशी दो। वो कहने लगे तल्लाही लकद आलिम तुम, अल्लाह की कसम तुम सबको मालूम है, जितने लोग वहाँ महल में खड़े हुए थे जो उनको यानी रुख्सत करने के लिए आए होंगे या चोरी का ऐलान सुन के सारे निकल आए होंगे, जब ऐलान होता है ना तो फलां चोर है तो पूरा महल्ला इकट्ठा हो जाता है, तो सब की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे अल्लाह की कसम तुम सब जानते हो माँ जी इना लिनो सीधा फिल अर्द, हम ज़मीन में, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हम ज़मीन में यानी मिस्र में फसाद करें, हम तुम सबको पता है, क्या मतलब जो फसादी लोग होते हैं वो इस तरह से थोड़ी आते हैं, उनका एटीट्यूड और उनका तर्ज अमल ये होता ही नहीं है, चोरों और डाकुओं का तो किसी शहर में आने का अंदाज़ अलग होता है, बातचीत का अंदाज़ अलग होता है और फिर रुख्सत होने का अंदाज़ अलग होता है, हम तो साफ पता चल रहा है हमारे आने जाने के अमल से कि हम ज़मीन में फसाद मचाने वाले लोग नहीं हैं। वमा कुन्ना सारिकीन, और हम चोर भी नहीं हैं। क्या मतलब, चोर किस्म के अलग किस्म के लोग होते हैं, हम तो गोया पैगंबर की औलाद हैं, ख़ानदानी लोग हैं। देखें यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से एक बहुत बड़ा जुर्म ज़रूर हुआ कि अपने बाप की मोहब्बत में अपने भाई को बाप की नज़रों से दूर कर दिया ये सोच के कि बाप को सबर आ जाएगा और हमें बाप की मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन पैगंबर की औलाद इस उनका मेंटल लेवल बहरहाल इतना ऊँचा था कि वो इस चोरी के इल्ज़ाम को अपने लिए बहुत बड़ी जिल्लत समझ रहे थे, तभी उन्होंने कहा हम चोर लोग नहीं हैं, मतलब हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदानी लोग चोरी नहीं किया करते। तो इससे पता चलता है कि ये चोरी और ये जो इधर की उधर कर देना ये घटिया किस्म के ख़ानदानों का काम होता है, घटिया लोगों का काम होता है, इज्जतदार लोग इस तरह के जुर्म नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम चोर लोग नहीं हैं। क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन, इससे भी पता चलता है याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों के ख़ानदानी होने का कि उनको अपने बारे में कॉन्फिडेंस था कि हम में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता, वरना वो शुरू में कह देते कि भाई तुम्हें अगर तलाशी लेनी है तो ले लो ना तलाशी, तो तलाशी लेके तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और जो चोर हो उसको रख लेना अपने पास, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम ज़मीन में अल्लाह की कसम हम ना फसादी लोग हैं ना अल्लाह की कसम हम चोर लोग हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपस का भाइयों में एक दूसरे पर, ये भी इसकी अलामत है कि उनके अंदर ये गैर अखलाकी हरकत नहीं थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के अंदर। क़ालू फ़मा जज़ाउहु, कहने लगे अच्छा फिर बताओ अगर तुम में से कोई चोर साबित हो जाए तो उसकी बदला क्या है अगर तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने फ़ौरन कहा जज़ाउहु मौजूदा फिर हलीफा हुआ जज़ाउ, उसका बदला ये है कि जिसके सामान से निकले उसी को रख लो, तो उनको तो इत्मीनान था हमारे पास नहीं हो सकता भाई, हम इसे कोई भी चोरी नहीं करता। कदालिके नज़ी ज़ालिमीन, हम इसी तरह ज़ालिम को सज़ा दिया करते हैं। उनको पता था देखें भाइयों को कि मिस्र के कानून में चोर की सज़ा कम है और हमारे बाप के मज़हब में जो जिस मज़हब को हम फॉलो करते हैं उसमें चोर की सज़ा ज़्यादा है, तो ऐसे मौके पे बज़ाहिर अकलमंदी का तकाजा ये था कि मिस्र का कानून पेश किया जाता, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ये कह देते कि जिसके सामान से प्याला निकलेगा तो जो भी तुम्हारा कानून कहता है, तुम्हारी कोर्ट कहती है, जिस सज़ा का भी वो सज़ा दे देना, जाहिर है वो सज़ा कम थी, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने क्या कहा, उस सज़ा का जिक्र किया जो इनके मज़हब में थी, क्यों, इसलिए कि उनको पता था हमारे पास से तो निकल सकता ही नहीं है, हम तो चोरी हम कर ही नहीं सकते हैं, लिहाजा वो सज़ा बयान करो जो बड़ी सज़ा है ताकि और यकीन हो जाए कि भाई हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, ये नामुमकिन, अपना टाइम ज़ाया करोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे लोग कह रहे होते हैं ना यार अगर मेरी जेब से ये
मोबाइल निकल आए, अगर मेरा चोर होना साबित हो जाए तो मेरी गर्दन उड़ा देना। तो ये मतलब नहीं होता कि गर्दन ही उड़ा देना, मतलब ये होता है कि नहीं होगा मेरे पास, ये कॉन्फिडेंस होता है इंसान में, तो इस तरह की बात करता है। तो इतने कॉन्फिडेंट थे वो कि हम चोर नहीं हो सकते। قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ, یعنی یہ میں اتنی لمبی تقریر یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ چوری بہت گھٹیا عادت ہے, بہت ہی غیر خاندانی اور نیچ ہونے کی دلیل ہوتی ہے چوریاں کرنا, اس لیے بچوں کو اس پہ بہت سخت سزا دیا کریں فوری طور پر تاکہ وہ اس برائی کے کبھی قریب بھی نہ جائیں۔ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ وہ ان لوگوں نے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا, جو مؤذن تھا نا جس نے اعلان کیا تھا, اس نے کیا کیا, بھائیوں سے پہلے شروع کیا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا تھا کہ چور وور نہیں ہے یہ, لیکن تم نے بنیامین کے سامان سے آخر سے نکالنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے, اس میں اشارہ ہے کہ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے, یہ پوری ملی بھگت سے ایک تدبیر ہو رہی تھی, تو تبھی اس نے باقی بھائیوں کے سامان سے پہلے نکالنا شروع کیا۔ کیونکہ اگر بنیامین کی طرف پہلے جاتا تو پھر بھائیوں کو شک ہوتا کہ لگتا ہے انہوں نے خود سے ہی رکھا ہے, ورنہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ یہیں سے نکلے گا, تو پہلی دفعہ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے بھائیوں کی تلاشی شروع کر دی۔ فبادا ابی اوعیتہم قبل وعاء اخیہ, یوسف کے بھائی سے پہلے پہلے دیگر بھائیوں کے سامان کو چیک کرنا شروع کیا۔ ثم استخرجھا من وعاء اخیہ, پھر یوسف کے بھائی کے بیگ سے نکال لیا۔ کذالک کدنا یوسف, اللہ کہتے ہیں یہ پوری تدبیر جو ہے نا, پیالہ رکھنا اور اس طرح سے مؤذن کا اعلان کرنا اور پھر انہی سے سزا اگلوانا کہ یہ سزا ہونی چاہیے اور پھر یہاں سے شروع کروانا, یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی, یعنی ہم نے ان کو وحی کی تھی یا ان کے دل میں ڈالی تھی۔ ما کان علی اخذ اخاہ, یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یوسف اپنے بھائی کو رکھ لیتے چوری کا الزام لگا کے, یا کسی بھی طریقے سے۔ فی دین الملک, مصر کے قانون میں, مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اللہ یشاء اللہ, اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہے, جیسے کہ اللہ نے چاہا ایک تدبیر سکھا دی, ورنہ مصر کے لا کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے یوسف کے درجوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ ان کو ایک تدبیر سکھا دی تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے, ورنہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ وفوق کل ذی علم, اور ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علیم ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی علم والے تھے, لیکن ان کے اوپر ایک اور ذات ہے جو اللہ ہے, جس کا علم سب سے زیادہ, اسی نے یوسف علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا۔